देख लो चारों तरफ मतलब जालियों की डिजाइनें चल रही है कांच वाली। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जाली की जो डिजाइन बनाई है ना वो दिखा देता हूँ एक बार, और जो कलर लगाया है हमने जाली के अंदर कांच लगाया है वो कांच एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पापा है, 4 साल से आए हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब से? अच्छा। दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने घर का व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे छत के ऊपर गमटी बन रही है। तो मैं आप लोगों को अपना घर पूरा नीचे से और ऊपर से जो घर बन रहा है ना, अब मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा नीचे से ऊपर लेके। अभी ये कारीगर जी काम करके आए हैं अभी छत के ऊपर हमारे, और अभी मैं पापा से मिलाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे पापा आए थे 4 साल से घर के अंदर, यानी इतने दिन बाहर थे मेरे पापा, यानी सऊदी अरब मेरे पापा रहते हैं, और सऊदी अरब से 4 साल हो गए। 4 साल के बाद अभी आए हैं। ये रहे मेरे पापा। पापा पापा आओ। ये मेरे पापा है, 4 साल से आए हैं सऊदी अरब से। पापा वहीं रहते हो? बताओ आप। सऊदी? बताओ सऊदी अरब से। अच्छा, आप लोग मेरे पापा से तो मिल गए दोस्तों। और अभी मैं आप लोगों को देखो, अभी मैं यहाँ अंदर खड़ा हूँ, वो देखो ये गमटी है, मतलब ऊपर ऊपर अभी फाइबर लगाएंगे हमारे, पट्टी नहीं डालेंगे, फाइबर से अच्छा लगता है थोड़ा मकान, तो इसलिए हम गमटी के ऊपर फाइबर लगाएंगे। और अभी मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ दोस्तों। अभी हमारे काम चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार। सबसे पहले दिखाने से पहले मेरे भाई से मिलाता हूँ मैं, और भाई भी बताएगा कितने दिन में मकान तैयार होना है गुंजाइश है, ये बताओ पहले। लास्ट कम से कम 1 सप्ताह और लगेगा एक कम्प्लीट होने में। अभी ऊपर में ये सोच रहा हूँ कि ऊपर पट्टी डाले या फ्राइवर, ये बताओ। फ्राइवर अच्छा रहेगा सबसे अच्छा। वो क्यों? बरसात के अच्छे कारण के लिए। बरसात के लिए भी अच्छी रहती है वो। अच्छा। और वैसे दिखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा। और अभी देख लो चारों तरफ मतलब जालियों की डिजाइनें चल रही है कांच वाली। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले जाली की जो डिजाइन बनाई है ना वो दिखा देता हूँ एक बार, और जो कलर लगाया है हमने जाली के अंदर कांच लगाया है वो कांच एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये लोग आप लोग देख सकते हो मैंने ग्रीन कांच लगाया है दोस्तों, ग्रीन कांच, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ग्रीन कांच। जैसे ये छोटी है, जो बाकी जो बड़ी है वो अभी चल रहा है काम, देखो अभी वो भैया लगा रहे हैं काम के अंदर। अब वो जाली फिट होने के बाद में अच्छी लगेगी, मैं एक बार पूरा मकान तैयार होने के बाद में एक बार आप लोगों को एक बार और दिखाऊंगा।
होप गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों ये वीडियो आगे से आगे शेयर करो, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों लाइक करो, ठीक है। और आगे मैं मेरा पूरा मकान तैयार होने के बाद एक व्लॉग और बनाऊंगा, जब ये पूरा मकान कंप्लीट हो जाएगा ना दोस्तों, एक बार मैं फिर फुल वीडियो पूरा मकान की वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, और फिर मैं यूट्यूब पर अपलोड करके आप लोगों को सबको दिखाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक मैं यहीं पर व्लॉग ख़त्म करता हूँ दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।